हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको बैक नेक डिज़ाइन बनाना बताऊंगी बोट नेक पर। तो इसका लंबाई जो मैंने लिया है वो 14.5 इंच है और इसका चौड़ाई है 11 इंच। इसका शोल्डर मैंने लिया है 6.5 इंच पर, क्योंकि ये बोट नेक पर है। 7.5 इंच पर इसका जो आर्म होल का लंबाई है वो लेंगे। यहाँ पर देखिए 6.5 इंच पर आर्म होल साइड हमने लिया है और 1.5 इंच पर आर्म होल का राउंड शेप लिया है। अब 3.5 इंच पर यहाँ पर नेक पर मार्क करेंगे और 3.5 इंच पर नेक का लेंथ मार्क करेंगे, क्योंकि ये बोट नेक पर है इसलिए हम इतना मार्क करेंगे। इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 11 इंच पर मार्क करेंगे नेक के लेंथ के लिए और हार्ट शेप का हम यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे राउंड शेप, हल्का सा राउंड शेप देते हुए बोट नेक पर हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर हल्का सा हार्ट शेप देते हुए इस तरह से मार्क कर लेंगे, डिज़ाइन बना लेंगे। तो देखिए मैंने मार्क कर लिया है, सेम इसी तरह हमें कट कर लेना है। तो ये उल्टा हार्ट बनेगा इसमें। तो इस तरह से कट करने के बाद में नेक को भी इस तरह से कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने कट कर लिया है। अब इसको हटा लेंगे, अस्तर को, मेन फैब्रिक को इस तरह बिछा लेंगे, उसके ऊपर अस्तर को जो हमने कट किया था उसे रख लेंगे। इसे अच्छे से सेट करने के बाद में देखिए यहाँ पे हमें नेक पे सिलाई लगाना है, अच्छे से ध्यान से रखते हुए, झोल ना आए ब्लाउज में और इधर किनारे भी ना हो अस्तर जो हमारा है मेन फैब्रिक से। तो देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद में यहाँ पे नीचे साइड हम सिलाई लगाएंगे। इतना करने के बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे और नेक में भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने कट कर लिया है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाएंगे पलटने के लिए। तो देखिए मैंने कट्स लगा लिया है, उसके कोने पर तो हमें अच्छे से ही लगाना है ताकि कोना हमारा अच्छे से निकल के आए। इसके बाद में हम देखिए इसे पलट लेंगे। इसे पलटने के बाद में अच्छे से कोना निकाल लेंगे हम, कोई भी नुकीली चीज़ ले लेंगे। ये देखिए सुई मैंने लिया है, सुई से इस निकाल लेंगे कोने को। अब इसके बाद में अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे सिलाई लगाना है। देखिए यहाँ पे हमने नीचे साइड थोड़ा सा यहाँ पे कोना निकाला है, उसे अच्छे से सुई से निकाल लेंगे, फिर उसे भी इस तरह सिलाई लगा देंगे अच्छे से सेट करते हुए। तो देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है। अब हमें नीचे साइड भी सिलाई लगा लेना है। तो देखिए मैंने नीचे साइड से लगा लिया है। अब इधर हम अटैच करेंगे अस्तर को मेन फैब्रिक से। तो देखिए मैंने अटैच कर लिया है। इस तरह से हमें सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। इस तरह से देखिए मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम टक्स के लिए पकड़ के इस तरह से सिल लेंगे बैक में, जो दो टक्स बनते हैं। तो देखिए मैंने टक्स बना लिया है। अब इसे साइड में रखेंगे, एक पट्टी लेंगे, उसे फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इसे हमें सीधा सिलाई लगाना है, कम से कम आधा इंच की दूरी पर हमें सिलाई लगाना है। तो इस तरह पट्टी में सिलाई लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, इसे पलट लेंगे। तो एक सुई लेंगे, सुई धागा की सहायता से इसे हम पलटेंगे। तो इस तरह से देखिए ऐसे हमें पलटना है। तो देखिए हमने इसे पलट लिया है, जो धागा है उसे कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा पट्टी बनकर तैयार हो गया है। इस पट्टी को हम छोटा छोटा कट करेंगे, कम से कम 1.5 इंच का हम कट करेंगे इसे, 1.5 इंच का। तो ये देखिए इस तरह हमें कट कर लेना है। तो देखिए मैंने सारा कट कर लिया है। अब हम यहाँ बैक नेक डिज़ाइन लेंगे, उसे यहाँ पे पहले एक पट्टी रखेंगे कोने पे और दोनों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे अच्छे से पट्टी को रख के सिलाई लगाने लेना है। इतना करने के बाद में हम एक पट्टी लेंगे, इसे फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। देखिए सारे पट्टी को हमें इस तरह फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगाना है। तो देखिए इसी तरह से हमें फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगाना है चारों तरफ। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे पट्टी को इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये कंप्लीट है। अब इसमें हम यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पीछे तरफ दिख रहा है उसे कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने कट कर लिया है। अब इसमें हम लेस लगाएंगे। तो देखिए मैंने लेस ले लिया है। इस तरह से हमें अच्छे से लेस को लगाना है बराबर से। तो यहाँ पर हम हल्का सा फोल्ड कर लेंगे ताकि कोना निकल आए लेस का। तो देखिए इस तरह फोल्ड करते हुए फिर इधर घुमा लेंगे, इस तरह से लेस लगा लेंगे। यहाँ पे भी हार्ट शेप है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कोना निकालेंगे हम लोग।
तो ये देखिए हमने यहाँ पे भी सिलाई लगा लिया। इस तरह से लेस को अटैच कर लेना है। यहाँ पे भी हमें कोना बना लेना है इस तरह से। तो ये देखिए हमारा लेस अटैच हो चुका है। जो एक्स्ट्रा बचा है उसे कट कर लेंगे। अब नीचे साइड भी हम लेस लगाएंगे। नीचे साइड तो मैं ज़रूर लगाती हूँ, आपका जैसा मन हो आप कर सकते हैं। आपको लगाना हो तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना हो तो नहीं लगा सकते। अब इसके बाद में हम यहाँ पे डोरी लगाएंगे जो हमने पट्टी फोल्ड करके लगाया था। तो एक आलपिन लेंगे हम, उसमें हम डोरी को फंसा लेंगे। उसके बाद उसी में फंसाते हुए इस तरह से हमने जो पट्टी लगाया था उसी में घुसाते हुए निकाल लेंगे इस तरह से। तो सारे में हमें ये डोरी लगाना है। तो इस तरह देखिए हमने डोरी लगाया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने डोरी लगा लिया है। अब जो एक्स्ट्रा डोरी रहेगा उसे कट कर लेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे डोरी को पकड़ के सिल लेंगे। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगाना है। तो अब इसके बाद में हम डोरी में जो है वो लटकन बनाएंगे डोरी का। तो देखिए मैंने चौकोर कपड़ा लिया है, उसे फोल्ड करके इस तरह से डोरी में हम फंसा के सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा एक लटकन तैयार हो गया। सेम उसी तरह हमें दूसरा लटकन भी तैयार करना है। ये देखिए इस तरह से आप चाहे तो डिजाइनर लटकन भी बना सकते हैं, कोई कैसा भी लटकन बना सकते हैं। तो मैंने डिजाइनर नहीं बनाया है, सिंपल ही बनाया है। अब इसके बाद में इसे फोल्ड करके इस तरह से बो टाइप का हमें इस तरह सिलाई लगा लेना है। अब इसके बाद में हम एक फ्लावर बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने ये कपड़ा लिया है चौकोर। इसे हम इस तरह से सुई से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में इस तरह से चुनट्टे डालते हुए इस तरह पकड़ के यहाँ पर हम कच्चा धागा से इस तरह से बांध लेंगे। इसी तरह हमें दूसरा भी बनाना है। तो दूसरा भी देखिए मैंने सुई से इसे फोल्ड कर लिया इस तरह से। और इसके बाद में इस तरह से चुन्नट करते हुए फिर से हम धागा से बांध लेंगे। तो देखिए इसी तरह हमें सारे बनाने हैं, पांच या छह बनाना है हमें। तो देखिए मैंने पांच बना लिया है। अब इसे इस तरह से जोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने सुई धागा ले लिया है और इसी तरह जोड़ते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो एक फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा फ्लावर बन के तैयार है। आपको ये फ्लावर कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए ये फ्लावर बन के तैयार है। इसे हम सुई धागे से अच्छे से मतलब टक कर लेंगे ताकि ये खुले ना निकले ना। अब इसके बाद में देखिए हमें यहाँ पे इस तरह से फ्लावर को लगाना है। यहाँ पे भी हमें अच्छे से सुई धागे से सिल लेना है ताकि निकले ना फ्लावर। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से सिल लिया है। सिलने के बाद में यहाँ पे पक्का कर लेंगे इस तरह से। पक्का करने के बाद में देखिए ये हमारा फ्लावर बन के तैयार है और हमारा बैक नेक डिज़ाइन भी बन के तैयार है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा बैक नेक डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।